सरवण सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूं। कल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है लखीमपुर खीरी किसान कत्ल कांड में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है, इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, अच्छा निर्णय है। इसी के साथ साथ जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है उसकी दिशा में अगर देखे तो प्रधानमंत्री जी को जो अजय मिश्रा टैनी इस समय मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं उन्हें निकाल कर उसको जेल में स्थान देना चाहिए, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। उन्होंने सीधा सीधा मान लिया है कि आशीष मिश्रा उनके पिता का पूरा दोष है, उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के उनका कत्ल किया है। इसी के साथ साथ जो उनके मुख्य गवाह हैं जिस तरह से उनको उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को आह्वान करेंगे, उनका भी सो-कॉल्ड नोटिस लिया जाना चाहिए। और इसी तरह से योगी सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को दबाव बनाना चाहिए, उनका जो अटॉर्नी जनरल है यूपी सरकार का जो पुलिस पक्षपात कर रही है वो निरपक्षता से उसकी जांच होके जो दोषी हैं उनको जेल में और सजाएं, जेल में जाएं और सजाएं उनको मिलनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो गेहूं की खरीद चल रही है जिसके ऊपर केंद्र का निर्णय आया था कि हम जो खरीद में ढील देंगे, अच्छा निर्णय था, पर अभी तक उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई भी वो कितना ढील देना जाने, 6% की छूट तो है पर इसी के साथ साथ और कितनी ढील पे वो खरीदेंगे। अभी भी मंडियों में लिप्तिम की इसी के साथ साथ बारदाने की कमी बहुत व्यापक रूप में हम देख रहे हैं पंजाब में, अन्यथा हमें मजबूर ना करें भी हम 25 को रेलों पर बैठे। खरीद अभी आप वैसे कर रहे हैं, कल को आड़तिया अगर हमारा रेट कम लगाता तो किसानों को घाटा पड़ेगा। इसी के साथ केंद्र को जो पंजाब में इस समय गर्मी पड़ने से गेहूं की कमी है उसके ऊपर केंद्र को बॉन्स देना चाहिए, किसानों की जो बाजू पकड़नी चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून और जो केस किसानों के ऊपर डाले हैं उनको वापस लेना चाहिए, अन्यथा नहीं तो हमें मजबूर होकर 25 का रेल रोकने के लिए मजबूर ना करें। धन्यवाद।